स्मार्ट स्कूल। दिल्ली में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कमर कस ली है। इसे लेकर रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान ताल कटोरा स्टेडियम में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करते हुए दावा किया कि इस बार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। राजस्थान के कोटा, जोधपुर और बीकानेर में बच्चों की मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं कि गुजरात के राजकोट और अहमदाबाद से भी ऐसी ही जानकारी सामने आ रही है। गुजरात के इन दोनों शहरों में अब तक 196 बच्चों की मौत हो चुकी है। दिसंबर महीने में राजकोट के सिविल अस्पताल में 111 और अहमदाबाद में 85 मासूम दम तोड़ चुके हैं, जिसे लेकर सवाल पूछने पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने चुप्पी साध ली है। पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुए पथराव के बाद एक बार फिर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। पिशावर में एक सिख युवक की अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मृतक का शव चामकानी छाना क्षेत्र में मिला है। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। इससे पाकिस्तान में रह रहे सिख समुदाय में आक्रोश बढ़ने के आसार है। हाल ही में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव करते हुए नाम बदलने की भी चेतावनी जारी की थी। इराक की राजधानी बगदाद में शुक्रवार और शनिवार को हुए अमेरिकी हमलों के बाद अमेरिका ईरान के बीच जंग की सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है। इसका असर भारत सहित दुनिया भर के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने इसे लेकर अपने कर्मियों को चेतावनी जारी की है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशों में अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा में जोखिम हो सकता है। दक्षिण भारत से जुड़े दो आतंकियों के पड़ोसी बस्ती रेंज तक आने की खबर से सतर्कता बढ़ा दी गई है। सरयू पुल बैरियर से लेकर हाईवे व गोंडा पुल के रास्ते पर खास चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। अयोध्या आने वाले वाहनों की सघन तलाशी व कागजात जांचे जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दक्षिण भारत से जुड़े दोनों आतंकियों ख्वाजा मोहिउद्दीन व अब्दुल समद की पहचान के लिए फोटो भी पुलिस को सर्कुलेट की गई है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ झारखंड की तरह भाजपा को हराने के लिए राष्ट्रीय जनता दल राज्य की अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार है। इसका इशारा राजद नेता रघुवंश प्रसाद ने दिया है। उनका कहना है कि सभी गैर भाजपा दलों के लिए ये जरूरी है कि वो साथ आए। केन्या के लामू काउंटी में अमेरिकी संयुक्त सेना अड्डे पर आतंकी संगठन अल शबाब ने हमला किया है। इस सैन्य अड्डे का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और केन्या सेना द्वारा किया जाता है। अल शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 171 अस्पतालों को पैनल से बाहर कर दिया गया है तथा अस्पतालों पर 4.5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानी स्वामी ने घोषणा की है कि वो सूडान में सेरेमिक फैक्ट्री में एलपीजी धमाके में मारे गए 3 व्यक्तियों के परिवार वालों को 3-3 लाख रुपए वित्तीय सहायता के तौर पर देंगे। सभी पीड़ितों के परिवार को ये राशि मुख्यमंत्री जन राहत कोष से दी जाएगी।